हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम रिमेनिंग सम्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अभी तक जय सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर लगातार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या दिया है। द लेटर ऑफ द वर्ड चौक आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर। हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल इफ ऑल दिस वर्ड्स आर रिटन डाउन एज इन डिक्शनरी। व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड चौक। जरा ध्यान देना क्या है ये क्वेश्चन। मेरे को एक लेटर वर्ड दिया है चौक, C H A L K, ये एक वर्ड है और इसके अंदर जो C H A L K ये लेटर कहा जाता है, बराबर है। अब बोला गया है कि ये वर्ड को आप कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हो, तो मैं इसके अंदर देखूं कितना लेटर है, 1 2 3 4 5, तो मैं बोलूंगा 5 लेटर है और 5 लेटर 5 तरीकों से बन सकता है, मतलब 5 ways अपने आप में अरेंज हो सकते हैं, बराबर है। तो इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो 5p5 का मतलब है 5 factorial upon 5 minus 5 factorial। अब ये कैसे, तो ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया ही था, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 factorial, 5 minus 5 0, और 0 factorial का आंसर 1 होता है, तो 5 minus 5 0 factorial मतलब 1 हो। तो इसका आंसर क्या है, 5 factorial। 5 factorial मतलब 5 4 3 2 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा 120 ways या तो 120 words, मतलब टोटल कितने वर्ड बन सकते, 120 word बन सकते हैं। ये बात समझ में आया क्या? 120 में कौन क्या है ये अपने को मालूम ही नहीं है, कौन सा वर्ड पहले कौन सा बाद में ये मालूम है, टोटल 120 वर्ड बनने वाले, ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते, क्वेश्चन में क्या बोला है, द लेटर ऑफ द वर्ड चौक आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर, हमने सब पॉसिबल ऑर्डर में लिखा, 120 वर्ड बन जाएंगे उससे। हाउ मेनी वर्ड आर पॉसिबल, सर 120 वर्ड पॉसिबल है, ठीक है। इफ ऑल दिस वर्ड आर रिटन डाउन एज इन डिक्शनरी, अगर इस वर्ड को मैं डिक्शनरी में ढूंढने जाऊं, 120 वर्ड बनने वाले। अब मीनिंग या मीनिंगफुल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चौक से जितने भी वर्ड बन सकते हैं वो बनना है आपने, तो 120 वर्ड बनने वाला, ये तो समझ में आया। बात समझ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूं भाई, मेरे पास चौक लेटर है, ये जो वर्ड है इससे मेरे को 120 वर्ड बनाने गया और बनने वाला 120 वर्ड ही है, लेकिन अब मुझे डिक्शनरी के फॉर्मेट में देखना है, तो 120 वर्ड में सबसे पहला जो वर्ड रहेगा वो ऐसे ही चालू होगा, इसमें से जो भी वर्ड बना होगा, 120 वर्ड जो बना होगा उसमें अगर मैं डिक्शनरी में उसको पुट करके ढूंढने जाओ, तो सबसे पहला जो ए रहेगा वो ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, एंड सो ऑन। अब इसके अंदर सबसे पहला ए ही आएगा, ए के बाद दूसरा जो सीक्वेंस रहेगा वो सी का रहेगा, और सी के बाद क्या रहेगा, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच एच आई जे के और फिर एल, मतलब अपना जो पहला वर्ड बनने वाला रहेगा वो ए से रहेगा, फिर सी वाला रहेगा, फिर एच वाला रहेगा, फिर के वाला रहेगा और फिर एल वाला रहेगा, ऐसे टोटल 120 वर्ड बने रहेंगे। ये समझ रहे हो आप, क्लियर। अब जरूरी नहीं है कि भाई के वाला ही आएगा एल वाला ही आएगा, ये जरूरी नहीं, बट बनेगा 120 वर्ड ये तो मालूम है, और डिक्शनरी में मैं अगर ढूंढने जाऊंगा तो सबसे पहला ए वाला ही वर्ड दिखेगा, तो ए वाले वर्ड कितने बन सकते वो फाइंड करता हूं। तो यहां पे अगर मुझे ए से स्टार्ट करना है तो ए मेरे पास कितना है, एक ही है, तो ए का पॉसिबिलिटी कितना है, एक, 1p1 मतलब 1 way, मतलब 1 word, बराबर है, 1 word नहीं, ए का वैल्यू 1 है। अब बचा दूसरा पद, कितना लेटर बचा, 1 2 3 4 लेटर बच गया, क्योंकि ए अकेला वर्ड तो नहीं है ना, ए के साथ कुछ ना कुछ तो आप जोड़ने वाले ही हो, क्या जोड़ने वाले हो मालूम नहीं है, तो अब जो बच गया मेरे पास 4 लेटर, 4 लेटर को 4 तरीके से मैं बना सकता हूं, 4 लेटर को मैं 4 तरीके से बना सकता हूं, मतलब 4p4 ways। अरे समझा,
तो 4p 4 वेज का मतलब है 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1 बोले तो 24। अब जरा ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, वो जरा ध्यान देना। मेरे पास टोटल 120 वर्ड है बनने वाले इसमें से, जिसमें से ए वाले जो वर्ड बनने वाले, ए वाले जो वर्ड बनने वाले वो कितने हैं? ए से चालू होने वाले वर्ड एक, और रिमेनिंग उसके साथ 24। तो ये 1 × 24 करोगे तो 24 वर्ड्स बनने वाले, हाँ या नहीं? मतलब जो ए से चालू होने वाला है वो कितने वर्ड है? 24 वर्ड्स है। ये समझा? तब जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं, 1 2 3 ऐसे मैं लिखते जाऊंगा तो टोटल 120 नंबर लिखना है। 120 में पहले 24 नंबर जो रहेगा, पहला 24 वर्ड जो होगा वो ए से चालू हुआ रहेगा। बात समझा? पहला 24 वर्ड जो हुआ रहेगा, जो भी बना रहेगा, वो पहला 24 वर्ड कौन सा रहेगा? ए से चालू होने वाला। उसके बाद जो 25th वर्ड चालू होगा, जो 25th वर्ड होगा वो किसी दूसरे लेटर से चालू होगा, क्योंकि ए से 24 वर्ड ही बन सकते। ए से कितना वर्ड बन सकता है? 24 ही। तो मतलब फर्स्ट से 24 तक कौन सा रहेगा? ए से चालू होने वाला नंबर रहेगा। समझा? अब जो 25वां वर्ड रहेगा वो कौन सा हो सकता है? तो सर वो सी से हो सकता है, क्योंकि ए के बाद क्या आने वाला है? सी आने वाला है। सी, और सी के बाद ए रहेगा ना, क्योंकि सीक्वेंस अगर फॉलो कर रहे हैं तो सी पहला सी से चालू हो रहा है, तो सी के बाद अपन अगर डिक्शनरी पढ़ा है कभी गलती से तो सी के बाद ए ही आने वाला है। तो सी ए, फिर सी ए बी होगा, तो सी ए बी, ऐसे ही वर्ड ढूंढते ना आप। तो अगर मेरे को डिक्शनरी के फॉर्मेट में जाना है तो सी वाले वर्ड के बाद दूसरा जो लेटर रहेगा वो ए ही रहेगा। सी के चांसेस कितने बार है? एक बार। वन का चांस कितना है? सॉरी, ए का चांस कितना है? वन बार। अब कितने लेटर्स बच गए तुम्हारे पास? सी भी चला गया, ए भी चला, तो कितने बचे? थ्री। अब ये तीन कोई भी तीन तरीके से होगा, मतलब इसका आंसर कितना रहेगा? 3 फैक्टोरियल। जैसे यहां पे कितना था? 4, क्योंकि ए निकल गया, बराबर है कि नहीं? ये 4 थे। अब यहां पे सी और ए निकल गया तो कितना बच गया? 3। तो इसका आंसर कितना है? 1 × 1 × 6, दैट इज 6 वर्ड्स। अरे समझा? मतलब जो 25वां वर्ड होगा, 25 से लेके सी तक जाने में 6 वर्ड और आने वाले। अरे ये समझा? तो 24 प्लस 6 करोगे तो कितना हो गया? 30। तो यहां पे 30 नंबर तक पहुंच गए, 30 वर्ड तक आ गया। पहला ए से चालू हुआ वो, और फिर सी और ए से चालू हुआ वो 30 तक हो गया। अरे ये समझा? समझा? ये पक्का समझा है या नहीं? ये 25, अब इसके बाद 6 नंबर और लेना है, तो 24, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30। अभी मैं 30 नंबर, 30 वर्ड तक पहुंच गया हूं। क्लियर? इसके बाद जो वर्ड रहेगा वो सर वो हो सकता है सी एच ए एल के, चौक भी हो सकता है, हो सकता है ना, अपने को वो मिल सकता है। तो मतलब इसके बाद जो एक नंबर होगा वो किसके लिए होगा? वो खुद उसके वर्ड के लिए हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि सी फिर ए, उसके बाद एच ही आने वाला है, क्योंकि सी और ए वाले वर्ड तो खत्म हो गए। मैंने आपको बताया पहले सी, सॉरी पहले ए, फिर सी, फिर एच ही आने वाला है ना। तो इसके बाद जो वर्ड रहेगा वो चौक ही हो सकता है। अरे यस, तो चौक होने के लिए वो कौन से नंबर पे आने वाला है? तो यहाँ पे 1 से लेके 24 ए वाला, 25 से 30 तक सी और ए वाला, और जो 31 नंबर होगा वो किसके लिए होगा? तो 31 नंबर चौक के लिए होगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा ध्यान देना। क्वेश्चन में पूछा है अगर हम डिक्शनरी को फॉलो कर रहे हैं, अगर मैं डिक्शनरी फॉलो कर रहा हूं तो जो चौक वर्ड है उसका डिक्शनरी में कौन सा रैंक है, मतलब वो कौन से पोजीशन पे है? तो वो कौन से पोजीशन में रहेगा? 31st पोजीशन पे होगा। बात समझा क्या? क्लियर? अच्छे से समझा है कैसे? 100%। तो ये 24 कैसे बना? ए लेटर वाला। ये 6 कैसे बना? सी और ए वाला। और ये 1 कैसे बना? चौक वाला। क्लियर है क्या? पक्का समझ में आ रहा है? 100%। तो अगर मैं बात करूंगा तो रैंक, तो इसका रैंक क्या होगा? 31st रैंक होगा। 31st कैसे? 24 प्लस 6 प्लस 1, 24 ए वाले वर्ड्स है, 6 सी और ए वाले, और 1 खुद चौक इटसेल्फ है। तो टोटल इसका कितना आता है? 31। तो इसका पोजीशन नंबर 31 होगा। बात समझा? क्वेश्चन समझ में आ गया?
पक्का समझ में आया कैसे किया, तो चौक था, इसके पॉसिबिलिटीज 120 है, टोटल 120 वर्ड बनने वाले, उसमें से ए वाले कितने बनने वाले 24, सी और ए वाले कितने बनने वाले 6, और चौक अकेला एक ही बार बनने वाला है। बात समझ में आया, पक्का समझा है 100%? चलिए ठीक है, कंप्लीट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ लेटर इन द वर्ड फेलियर इफ ऑल द वॉवेल्स आर इन द वर्ड मस्ट अपियर टूगेदर। पहले तो समझो वॉवेल क्या होता है, तो वॉवेल है ए टी आई ओ यू, ये आपके वॉवेल्स है। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन द लेटर ऑफ वर्ड फेलियर, फेलियर वर्ड में से अपने को अरेंजमेंट फाइंड करना है सच दैट अपने वॉवल्स क्या होने चाहिए एक साथ, और जो बच गए दूसरे कॉन्स्टेंट वो अलग होने चाहिए, और उनका कितना पॉसिबल वेज है वो फाइंड करने कहा गया है। तो फेलियर वर्ड पहले मैं लिख लेता हूं, एफ ए आई एल यू ई आर, ये आपका फेलियर वर्ड है, बराबर है क्या? यू आर ही है ना, चलिए वेरी गुड, कुछ तो आता है आपको, है क्या नहीं? तो फेलियर वर्ड आपको मिल गया। अब इसमें से वॉवेल को अलग करते ए ई आई यू, ए ई आई यू, ये वॉवेल हो गए, तो भाई वॉवेल हो गए, ए है आई है यू है ई है, कितने वॉवेल्स है इस वर्ड के अंदर? चार। अब बचे कितने? एफ एल आर, ये तीन बच गए, और ये एक ग्रुप ही है वॉवेल का, तो इस ग्रुप को अगर अरेंज करना है खुद के अंदर तो मैं इसको बोलूंगा 4P4B, इस ग्रुप को अकेले में खुद में ही एडजस्ट करना है, क्योंकि ये पूरा एक वॉवेल का ग्रुप है और एक कांस्टेंट का ग्रुप है। कांस्टेंट में कितने? तीन। वॉवेल में कितने? चार है। खाली वॉवेल को वॉवेल में एडजस्ट करना है तो 4P4B, लेकिन अगर वॉवेल को इनके साथ किसी भी तरह से अरेंज करना है तो तीन और ये एक, टोटल कितने हो गए? चार। तो इनको अगर इनके साथ मर्ज करना है तो 4P4 फिर से। तो समझा नहीं क्या बोले आपने? मैं बोल रहा हूं कि भाई वॉवेल का एक ग्रुप है, अब वो वॉवेल क्या हो सकता है? या तो ए या तो आई या तो यू या तो ई, एक वर्ड उसमें से लेंगे अपन एक लेटर, और फेलियर में कितने? एफ एल आर, तीन, तो टोटल कितने हो गए? चार। चार को चार तरीके से अरेंज कर सकते हो। बात समझ में आया? क्वेश्चन में देखो क्लियरली बोला है वॉवेल्स आर टुगेदर, ऐसा कुछ बोला है क्या? इफ ऑल द वॉवेल्स इन द वर्ड मस्ट अपियर टुगेदर, सारे वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए, तब सारे वॉवेल्स एक साथ आने मतलब ये एक ग्रुप हो गया, तो ये एक बन गया और ये तीन बच गए, तो टोटल कितना हुआ? चार। चार लेटर को चार तरीके से अरेंज करेंगे, इसके साथ वर्ड बनाने के लिए ये सब एक साथ ही आने वाला है, तो ये पूरा एक बन जाएगा, और ये तीन है तो तीन और एक कितने हो गए? चार हो गए। तो अगर मैं ऐसा देखने जाऊं तो ये टोटल कितना है? चार लेटर है, चार को चार तरीके से बनाऊंगा अगर ऐसा देख रहा हूं, लेकिन अगर ध्यान से देख रहा हूं तो सर ये चार है, ये एक नहीं, ये तो खुद चार है, तो इसके अंदर ये चार तरीके से बनेगा, इसके अंदर ही चार ग्रुप बनेगा, कभी ए यू आगे ई आगे आई पीछे, ऐसे कुछ भी अलग बन सकता है। तो इसका खुद का वॉवेल का 4P4B है और वॉवेल साथ में होने चाहिए इनके साथ, तो इसका कितना है? 4P4B है। तो आई कैन से इन दोनों की पॉसिबिलिटीज कितने? 4 factorial into 4 factorial, और 4 factorial का आंसर कितना है? 24 into 24, 576 ways, मतलब 576 वर्ड बन सकता है। 4 factorial मतलब 24, सर कैसे? 4, 3, 2, 1, फिर से 4, 3, 2, 1, 24 into 24, समझ में आया? 4 factorial का आंसर 24 आएगा, 4 factorial का आंसर 24 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो 576 आएगा, 24 का स्क्वायर 576, समझ में आ गया सम? बढ़ेंगे आगे, जरा इंटरेस्टिंग सम है, ध्यान देना क्या दिया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया है देयर आर 8 players इन अ टीम, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी अरेंज सच दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट प्लेयर आर नेवर टुगेदर। ध्यान से,
टोटल कितने प्लेयर है? 8 प्लेयर है, बराबर है केविन? अब क्वेश्चन में बोला है देयर आर 8 प्लेयर्स इन अ टीम, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी अरेंज। अभी 8 लोग हैं तो 8 तरीका है सर, 8 लोग को 8 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर क्या है ये आपका? 8वां है, 7th क्वेश्चन। तो 8 प्लेयर 8 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, आठों को कैसे भी आप अरेंज कर सकते हो। तो 8p8 ways मतलब 8 फैक्टोरियल आएगा, और 8 फैक्टोरियल मतलब 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आपके पास कैलकुलेटर तो होगा ही, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, फटाफट मल्टीप्लाई करके बता दो कितना है? 40320, 40320 तरीका है आपके पास। ये समझ में आ गया, ये समझा आपको? अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई ये जो प्लेयर है ना, इसके अंदर अच्छे प्लेयर भी हैं, बुरे प्लेयर भी हैं। एक अच्छा हो सकता है, दो अच्छा, कितना ये बोला नहीं। तो अजम चले एक में अच्छे प्लेयर का ग्रुप ले रहा हूं और एक में बुरे प्लेयर का ग्रुप ले रहा हूं, मतलब ऐसे में कितने लोग को सिलेक्ट कर कितना ग्रुप बना रहा, दो, अच्छा और बुरा। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है देयर आर 8 प्लेयर्स इन द टीम, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी अरेंज सच दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट प्लेयर आर नेवर टुगेदर। अब मैं अगर उन दोनों को साथ में कर लेता हूं, एक बेस्ट को अलग और वर्स्ट को अलग कर लेता हूं, अब दोनों को जब मैंने क्या किया भाई, दोनों को मैंने अलग कर दिया, तो बचा कितना मेरे पास? कितना बचा? 8 में से एक बेस्ट निकल गया, एक वर्स्ट निकल गया, कितना बचा? 6 बच गए। ए ई आई ओ यू मैंने अलग किया तो बचा कितना? 3। तो वैसे 8 में से मैंने इन दोनों को अलग कर दिया, दोनों का एक ग्रुप बना दिया, तो बचा कितना तुम्हारे पास? बात समझ में आया? तो 8 में से 2 मैंने अलग कर दिया, बट ये 2 क्या है? एक ही ग्रुप का है। 2 क्या है? एक ही ग्रुप का है। बात समझ में आ रहा है? 2 जब एक ही ग्रुप का है तो इधर कितना बचेगा? 7। बात समझा आपको? बात समझा? अगर मैंने बेस्ट को बाहर निकाल दिया 7 बचे, वर्स्ट को बाहर निकाल दिया तो भी 7 बचे, क्योंकि दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कंडीशन है। अगर बेस्ट है तो वर्स्ट नहीं होना चाहिए, वर्स्ट है तो बेस्ट नहीं होना चाहिए। तो भाई मैं दोनों को अगर बाहर निकाल दूं तो मुझे तो 6 बचने वाला है, मतलब 6 नहीं, एक्चुअल में 7 ही बचने वाला है, क्योंकि बेस्ट को बाहर निकाल दिया है तो वर्स्ट के साथ खेल रहा हूं क्रिकेट, 8 जन का टीम है। समझ में आया? पक्का? चलिए ठीक है। तो ये 7 कैसे आया, क्लियर हो गया आपको? अब क्वेश्चन में हाँ, दोनों में से कोई एक ही निकलने वाला है, तो अब बात करूंगा तो इनको तो अपने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2p2 ways मतलब इसका 2 फैक्टोरियल आए, और इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 7p7 मतलब 7 फैक्टोरियल, क्लियर? तो ये क्या हो गया, बेस्ट, बेस्ट और वर्स्ट का एक ग्रुप और एक नॉर्मल ग्रुप। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई ये दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, टोटल मेरा कितना है? 8 फैक्टोरियल, उसमें से क्या करना है? 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 7 फैक्टोरियल, 2 प्लेयर का ग्रुप अलग है और 7 प्लेयर का ग्रुप अलग है, ये अलग है और ये अलग, तो निकाल देना है। क्वेश्चन बोला दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, इधर दोनों साथ में है ना, अब दोनों साथ में नहीं होने चाहिए मतलब क्या करना है? माइनस। बात समझाइए? पक्का समझा? 8 फैक्टोरियल का मतलब है 8 × 7 फैक्टोरियल माइनस 2 × 7 फैक्टोरियल, कुछ कॉमन है दोनों में? 7 फैक्टोरियल, तो अगर 7 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 8 − 2, 8 और इधर 2 बचा, क्योंकि 7 दोनों से बाहर आया, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 6। आप पूछिए तो इनको मल्टीप्लाई कर दो या तो इतना छोड़ दो, 7 फैक्टोरियल मतलब 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इंटू 6। बात समझ में आया क्या? जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। इतने तरीके हैं प्लेयर्स को अरेंज करने का, क्लियर हो गया? कंप्लीट करो, चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 8, देखते क्या दिया है। देर आर 3 स्टूडेंट्स ऑफ FIBCOM, 2 स्टूडेंट ऑफ SYBCOM एंड 4 स्टूडेंट्स ऑफ TYBCOM, इन हाउ मेनी वेज
they can sit in a row so that the student of same class are पहले always together, second not together. भाई always together मतलब क्या होता है कि भाई अभी मेरे पास तीन क्लास है, एक फर्स्ट ईयर का क्लास है, सेकेंड ईयर का क्लास है, थर्ड ईयर, मतलब क्लास कितने, तीन. अब तीन क्लास में तीन तरीका हो सकता है, FY, SY, TY ना. तो आई कैन से पहले क्लास, तो मेरे पास क्लासरूम कितने है? तीन. तो 3P 3 ways विच इज 3 factorial विच इज 6 ways. 3 factorial मतलब 6 ही आएगा ना, 3 2 1, 3 to the 6 into 1, 6 ways. मतलब क्लासरूम को अरेंज करना है तो 6 तरीका मेरे पास. अब वो 6 तरीका मतलब पहले क्लास में FY बिठा सकता हूँ, दूसरे क्लास में SY, तीसरे क्लास में TY, या तो पहले क्लास में TY, दूसरे क्लास में FY, तीसरे क्लास में SY, या तो फिर पहले क्लास में SY, ऐसे 6 तरीका है ना. तो क्लासरूम का तरीका मिल गया है, ये समझ में आया. अब स्टूडेंट की बात करता हूं, स्टूडेंट्स. तो मेरे पास 3 स्टूडेंट FY के है, 2 स्टूडेंट SY के है, 4 स्टूडेंट TY. कितने स्टूडेंट्स हो गए टोटल? 9 स्टूडेंट्स. बराबर है, ये समझ में आया. तो 9 स्टूडेंट है, 9 तरीके से बैठ सकते हैं. 9 PVS, ये टोटल बात कर रहा हूं, टोटल जहां पे सब मिक्स है, FY, SY, TY सब मिक्स है. तो आई कैन से टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी फॉर ऑल स्टूडेंट्स विल बी 9P 9 ways, मतलब 9 factorial. 9 factorial कैसे सॉल्व होता है? 9 8 7 6 5 4 3 2 1. कैलकुलेटर नाम का प्राणी आप लोग के पास है ही है. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. कितना आता है आंसर? 3,62,880. ये समझ में आ गया पक्का? अब क्वेश्चन में क्या दिया, सुनो कंडीशन. पहला बोला है कि भाई सारे स्टूडेंट इकट्ठा होने चाहिए, FY के साथ SY, SY के साथ TY, TY. तो FY में कितने स्टूडेंट है? तो इसका कितना आंसर आएगा? SY में कितने, TY में? इसका तरीका 6 ways, मतलब 3 factorial. इधर 3 factorial मतलब 6 ways, 2 factorial मतलब 2 ways, 4 factorial मतलब 4, यानी कि 24 ways. अरे बात समझा? तो टोटल अगर मैं बैठने का बात करूंगा, 6 स्टूडेंट क्लास में बैठने वाले, 2 स्टूडेंट क्लास में बैठने वाले, 24 स्टूडेंट क्लास में बैठने वाले. तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन स्टूडेंट्स आर टुगेदर कितना आएगा? 6 into 6 into 2 into 24. 6 वेज क्लासरूम का है और ये स्टूडेंट का FY, SY, SY, TY, TY का है. बराबर है, तो मल्टीप्लाई कर लो कितना हो रहा है, 17. तो ये क्या मिल गया, स्टूडेंट्स टुगेदर होने के चांसेस मिल गए. और ये क्या है, टोटल स्टूडेंट के चांसेस कितने. अब क्वेश्चन में पहला कंडीशन बोला था स्टूडेंट टुगेदर होने चाहिए, तो उसका आंसर ये. अब स्टूडेंट टुगेदर नहीं होने चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, टोटल इतना है उसमें से ये माइनस कर दो, तो बच गया स्टूडेंट टुगेदर नहीं आएगा. तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन स्टूडेंट्स आर नॉट टुगेदर कितना आएगा, 3,62,880 माइनस 1,728 इज इक्वल्स टू 3,611,52. ठीक है, बात समझ में आ गया, हो गया सब. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते क्या दिया है. 4 girls and 3 boys हैव टू स्टैंड इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ. कितने गर्ल्स? 4 गर्ल्स. कितने बॉयज? 3 बॉयज. इनको फोटोग्राफ के लिए एक रो में, एक लाइन में खड़े रहने बोला.
रो ऐसा रहेगा, कॉलम ऐसा स्ट्रेट रहेगा, बराबर है? तो रो में खड़े रहना, आप खुद भी जाओ, फोटो सामने रहेगा तो आप सीधे लाइन में खड़े रहोगे तो कितना दिखने वाला, मतलब ऐसा ही खड़ा रहना आपको। तो ये आपका रो है, चार गर्ल्स तीन बॉयज का एक रो आपको बनाने का है। अब आगे क्या बोला उसने, इफ दे चूज देयर पोजिशन एट रैंडम, मतलब उनको अपने हिसाब से जगह लेने का है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच द बॉयज आर एट द एक्सट्रीम एंड सेकेंड नो बॉयज आर टूगेदर। इसका मतलब पहले समझ लो क्या है, कि मेरे पास टोटल चार गर्ल्स है और तीन बॉयज है, तो मेरे पास टोटल कितने लोग है, सात लोग है, ये तो समझ रहा है, क्लियर है, सात लोग है, ये क्लियर हो गया, मतलब सात लोग को सात तरीके से खड़ा कर सकता हूं मैं, सात लोग है, सात तरीके से खड़ा कर सकता हूं, कैसे भी खड़ा कर सकता, क्लियर। अब क्वेश्चन में बोला है पहले कंडीशन में क्या दिया आपको, पहला कंडीशन, तो पहला कंडीशन दिया है द बॉयज आर एट द एक्सट्रीम, एट द एक्सट्रीम मतलब एट द एंड, एक्सट्रीम मतलब एंड। अब एंड ये बाजू का क्या, ये बाजू का बोला है क्या, मतलब या तो वो लड़का इधर खड़ा हो सकता है या तो वो इधर खड़ा हो सकता है, मतलब एंड पॉइंट कितना है, सिर्फ दो, एंड कितना है, दो ही है ना, या तो ये बाजू बॉयज खड़े हो सकते हैं या तो ये बाजू बॉयज खड़े हो सकते हैं, कितने बॉयज है, तीन, उसमें से कोई भी एक बंदा वहां पे या तो यहां पे आ सकता है, तो उनके पास कितने रास्ते, दो, एक लड़का इधर एक लड़का इधर खड़ा हो सकता है, तीसरा किधर खड़ा होगा वो टेंशन वाला बात है। अब वो बोला नहीं, बोला बॉयज एट द एक्सट्रीम, तो बॉयज की बात करूंगा मैं, तो तीन बॉय है उसमें से दो बॉय का जगह तो मिल गया एट द एंड, तो थ्री पी टू वेज हो गया, ये समझा, अरे समझा पक्का, मतलब अब मेरे पास टोटल कितना जगह था खड़ा रहने का, सात, सात में से कितना चला गया, अब कितना बचा, पांच जगह बच गया, बात समझ में आया, प्लेयर बचे कितने अपने पास, कैंडिडेट कितने बचे, कैंडिडेट कितने बचे, पांच बचे, एक लड़का भी तो बचा है, अरे बात समझ में आया, तो यहां पे कैंडिडेट अब इनटू पांच कैंडिडेट बचे, इनको पांच तरीके से अरेंज कर देंगे, कैसे भी वो लड़कियों किधर भी एडजस्ट कर डालेंगे, अरे बात समझाइए, तो इसका आंसर क्या है, तीन बॉयज थे उसमें से दो को हमने एक्सट्रीम पॉइंट का जगह दे दिया, थ्री पी टू वे, बराबर, अब बचे पांच, उसको कोई भी पांच तरीके से अरेंज करेंगे, मतलब ये आ जाएगा थ्री फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल, सर वन फैक्टोरियल कैसे, फॉर्मूला क्या है, थ्री माइनस टू फैक्टोरियल इंटू फाइव पी फाइव, मतलब फाइव फैक्टोरियल, तो यहां पे आएगा थ्री फैक्टोरियल इंटू फाइव, बिकॉज वन फैक्टोरियल तो वन ही होता है, तो थ्री फैक्टोरियल मतलब सिक्स, फाइव फैक्टोरियल मतलब फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, सिक्स इंटू, डायरेक्ट आंसर बोल रहा है कि इसका आंसर बोल रहा है, इसका आंसर 120, जीरो, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स वन जा सिक्स एंड सेवन, 720 वेज। अगर बॉयज एक्सट्रीम पे अरेंज करना है तो आपके पास कितने वेज हैं, 720 वेज तरीके से आप बॉयज को कैसे भी अरेंज कर सकते, ये समझा। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, नो बॉयज आर टूगेदर, बॉयज साथ में नहीं होने चाहिए। अब बॉयज साथ में नहीं होने चाहिए मतलब, मतलब जरा ध्यान देना, मेरे पास टोटल गर्ल्स कितने, जगह कितना है, सात जगह है, ऐसा तुमको लग रहा है, चलिए ठीक है, ध्यान दे, बॉयज साथ में नहीं होने चाहिए ऐसा क्वेश्चन में बोला है, गर्ल्स 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 गर्ल्स। अब बॉयज को खड़े रहने के लिए जगह साथ में नहीं रखना है, इधर खड़ा हो सकता है एक, दूसरा इधर खड़ा हो सकता है, तीसरा इधर, या तो इधर या तो इधर, तो क्या इसे बॉयज साथ में हुए क्या, तो बॉयज के लिए अगर साथ में नहीं खड़ा रखना है तो कितनी जगह, वन टू थ्री फोर फाइव, बॉयज अगर टुगेदर नहीं खड़े होने वाले तो उनके पास पांच जगह है, लेकिन कितने बॉयज हैं, तीन ही बॉयज हैं, तो पांच में से कोई भी तीन जगह पे ऐसे भी खड़े हो सकते हो लोग, या ऐसे खड़े हो सकते, बराबर है,
या तो वो ऐसे खड़े हो सकते, कैसे भी खड़े हो सकते, उनके पांच जगह, पांच में से कोई भी पांच जगह पे लोग खड़े हो जाएंगे। गर्ल्स के बारे में बोला था क्या उन्होंने कुछ? तो गर्ल्स के पास कितने जगह है? चार। चार में से वो कहीं पे भी बैठ सकते हैं। फोर पी फोर वेज। अंडरस्टूड? दैट इज इक्वल्स टू फाइव फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल अपॉन फोर। अब ये टू कैसे आया? फाइव में से थ्री जाएगा तो टू आएगा ना फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पे फाइव फोर थ्री इंटू फोर फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया ना मैंने, तो ये 5 4 20 मतलब 60 इंटू 24, तो 60 इंटू 24 जीरो 140 बराबर है 1440। ये समझ में आ गया क्या? पक्का। तो इस तरह से हमने परम्यूटेशन का कंसेप्ट क्लियर किया। अभी लेसन कंप्लीट नहीं हुआ, लेसन के अंदर कॉम्बिनेशन का पार्ट भी है, बट मैंने परम्यूटेशन कंप्लीट किया है। परम्यूटेशन मतलब पॉसिबिलिटीज का पार्ट कंप्लीट किया है। कॉम्बिनेशन में भी ऐसे ही सम आने वाले, कॉम्बिनेशन का भी सम ऐसा ही है, बट वहां पे पी के जगह पे अब हम सी यूज करने वाले, मतलब चीजें वही रहने वाली। कॉम्बिनेशन इज समथिंग डिफरेंट देन परम्यूटेशन। परम्यूटेशन पॉसिबिलिटीज रास्ता बताता है, कॉम्बिनेशन चीजों को सॉल्व करके देने वाला। क्लियर हुआ? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।